हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। बिहार में 94,000 शिक्षक नियोजन 2020 की भर्ती के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, और इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षक की भर्ती है, इसमें विद्यार्थियों को लेकर बहुत बड़ा झटका मिला है। और 94,000 प्रारंभिक जो शिक्षक की नियुक्ति थी, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। और क्या है ये ऑफिशियल न्यूज, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद से बिहार सरकार का इस पे क्या टिप्पणी है ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और इस नियोजन को कब पूरा किया जाएगा, इस पे हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली क्विज और स्टडी मटेरियल आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो न्यूज़ बताने वाला हूँ, इसमें बताया गया है कि जो पटना हाई कोर्ट ने जो 94,000 प्राइमरी जो स्कूलों की जो शिक्षकों की बहाली है, उस पर रोक लगा दी है। और नीरज कुमार की जो याचिका थी, इस पर सुनवाई करते हुए इसमें जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश दिया कि बहाली के जो क्राइटेरिया है, उसको बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो क्राइटेरिया जो रखा गया था पहले, उसमें कुछ चेंजेस किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, तो इसको चेंजेस का कोई अधिकार नहीं है सरकार के पास। और इस संबंध में जो याचिका करता है, उसके वकील जो हैं दीनू कुमार सिंह, और इसके साथ ही रीतिका रानी ने बताया कि जो बिहार सरकार के द्वारा 5/6/2020 को प्राइमरी शिक्षकों की बहाली को लेकर उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की गई थी, और इस विज्ञापन के अनुसार जो भी अभ्यर्थी टेट, स्टेट और डीएलएड पास हैं, वे 15/6/2020 से लेकर 14/7/2020 तक आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा था, जो कोर्ट ने बताया कि इन सबों के बीच बहाली को लेकर एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमें यह आदेश, यह क्लाउज था जो 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे आवेदन दे सकते हैं। वहीं जो अभ्यर्थी दिसंबर 2019 में स्टेट पास कर चुके हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने के जज जो थे, जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पूछा कि आपने बीच में क्राइटेरिया कैसे बदल दिया, और साथ ही 94,000 शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दिया। इस पर सुनवाई करते हुए यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जो भी यहाँ सुनवाई होगा, अब अगले दिन यानी 4 सितंबर को सुनवाई इसके बारे में होने वाली है, और जो भी यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा कोर्ट के अनुसार, और बिहार सरकार क्या इसके बारे में पक्ष रखती है, उसको देखते हुए यहाँ कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा। तो जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, और जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ थे, बिहार जो शिक्षक बहाली, 94,000 टीचर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उस पर रोक लगाने की जो भी प्रक्रिया यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ था, उसको मैंने आपको साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ, ताकि ऐसे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।